मंदिर चलने के शिव मंदिर चलने कितने लोग संगरन। अरे नहीं यार आप बैठोगे तो टायर वो हो जाएगा। नहीं अरे रहने दो चलो। अरे चलना मजा आएगा। अरे अपने को वहां जाना है वैसे भी उतरना पड़ेगा ब्रिज के। अरे ये 500 मीटर पे तो उतरना है। क्यों 500 मीटर पे उतरना है लस्सी के लिए। लस्सी आ जा मैं पिलाता हूँ। तो हेलो एवरीवन, और आज के वीडियो में मैं आपको लेके चल रहा हूँ पिंगजियांग स्ट्रीट पे। और ये बहुत ही प्यारी बहुत खूबसूरत स्ट्रीट है, तो मैं आज आपको लेके चल रहा हूँ पिंगजियांग स्ट्रीट पे। आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जगह है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें आप मेरे पीछे देख रहे हैं सब हैंडीक्राफ्ट का काम है, पूरा हाथ का बनाया हुआ है। बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स है। और यहाँ पे सिल्क बहुत फेमस है, तो सिल्क के कुछ आपको स्काफ्स में दिखा हुआ मैं यहाँ पे जितने दिख रहे हैं ये सिल्क स्काफ है। और ये सारे बैग्स वगैरह सब हाथ से बनाए हुए हैं। जितनी भी पेंटिंग्स है ये भी इस साइड भी सिल्क रखा हुआ है, और जितनी पेंटिंग्स है सारे के सारे हाथ से बनाए हुए हैं। ये जो सबसे फेमस पंखा होता है चाइना का, ये वो बना हुआ है, ये भी हाथ से बनाया है। और इसके बाद में पर्स वगैरह सारी चीज़ें, और काफ़ी पुराना है करीबन ये स्ट्रीट को बोला जाता है करीबन 100 से 150 साल पुरानी स्ट्रीट है। और जितने भी फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे, पास में बहुत फेमस होटल है ग्लोरी होटल, तो वहाँ पे सारे लोग रुकते हैं अपने अपने ट्रिप्स पर आते हैं। प्यालियांग। और ये जो है ये पूरा हाथ से बनाया है इन्होंने, और ये देख सकते हो आप। तो ये प्याला सिल्क, ये पूरा सिल्क का मटेरियल तहता था सिल्क। तो ये माया माया प्याला शीशे। और ये चाइनीज गिटार टाइप का है कुछ, और ये भी पेंटिंग हाथ से बनाई हुई है, बहुत प्यारी पेंटिंग। और ये ट्रेडिशनल गिटार है चाइनीज़ों का, काफ़ी लोग इसको फोटो वोटो वगैरह खींचने के लिए प्ले करते हैं, और काफ़ी लोग सीखते भी इस चीज़ को। एक्चुअली ट्रेडिशनल चीज़ें बहुत ज़्यादा सीखते हैं चाइनीज़ बच्चे वगैरह, इन सब लोगों को आती है सारी चीज़ें बजाना। और मैं ये एक और दुकान में आया हूँ जो कि पूरी सिल्क और हैंडमेड से है। ये सारे ईयर रिंग्स वगैरह सारे हैंडमेड है, बैग्स वगैरह सारे हैंडमेड से होते हैं, ब्रेसलेट्स। और ये पूरे सिल्क के स्कार्फ, ये
ये जो स्टारबक्स कॉफ़ी है ये तो नया है, बट इसको थोड़ा सा एंशियंट टाइप में बनाया गया है ताकि थोड़ा सा पुराना दिखे, लेकिन बट स्टारबक्स तो 150 साल पुराना नहीं है, ये अभी बना है। और ये यहाँ पे मेरे पीछे पूरी फूड स्ट्रीट चालू हुई है, तो मैं आपको फूड स्ट्रीट दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे भी ट्रेडिशनल फूड मिलता है पूरा, पता नहीं क्या क्या नाम है, थोड़े बीच में सिल्क की शॉप्स भी है। और ये देखिए कुछ ट्रेडिशनल फूड है यहाँ का, स्टेक्स वगैरह, और ये जो ऐसे कैंडीज बोलते हैं इसमें फ्रूट्स वगैरह लगे रहते हैं, पूरे चाशनी में डूबे हुए। और ये सबसे फेमस रोस्टेड पोटैटो, और ये इनकी रोटी पिंक, और ये पूरी की पूरी फूड स्ट्रीट है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है यहाँ पे, लेकिन अपने टेस्ट के काम की नहीं है, चाइनीज़ ही खा सकते हो सर। और यहाँ से स्कूल के बच्चे घर रिटर्न आ रहे हैं, और उस साइड एक ब्रिज है, मैं उस ब्रिज पे जाऊँगा। एक्चुअली में ये जो पिंजियांग स्ट्रीट है ये करीबन 7 किलोमीटर लंबी है, तो अगर आप एक कोने से चलना चालू करोगे तो अगर आप दूसरी जगह पहुंचोगे तो आप कहीं और निकलोगे। और वहाँ से भी कुछ इसी टाइप की पुरानी जगह भी है, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे याद आया कि ये जो जगह है, ओहो, ये सारी पुरानी गलियाँ बनी हुई है यहाँ पर, 100-150 साल पुरानी। और ये है वो ब्रिज, अब इससे मैं उससे चढ़ जाऊँगा। हाँ तो भाई लोग, कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद में पिंगजियांग लोग आते थे आने के लिए? बहुत ही शानदार, मज़े आ रहे बहुत ज़्यादा। अभी काफ़ी लोग खाने पे कॉन्सेंट्रेट, अभी खाने पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सुना है लस्सी भी मिलती है यहाँ पे, ट्रेडिशनल लस्सी मटके में देखते वही ढूंढ रहे अगर वो शॉप मिल जाती। और लस्सी तो कुछ मिली नहीं, तो ये कुछ एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी यहाँ पे, वो बनवा रहे हैं। इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगती है।
मैं हाँ वेरी गुड वेफल फन ये ट्राई करके देखा कुछ वेनिला आइसक्रीम के साथ में दे रहे तो ये जो ऑर्डर करा था वो आ गया है और अब इसको टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है टेस्ट करोगे करो ये कुछ बनाना है और इसके ऊपर चॉकलेट डाला हुआ है दे रहा हूँ टेस्टी है बहुत टेस्टी ये बिल्कुल खा के देखते ना गर्म भी है नाइस है इतना बड़ा खाऊंगा खानदान खानदान जाए कंपनी का शाउची खा जो हम ले हाय हार्ट से द वेरी गुड थैंक यू सो अभी जो खाया हमने काफ़ी अच्छा था और अभी जा रहे हैं वापस से ढूंढने के लिए लस्सी अभी पता करा एक कॉल करके कि किस साइड था दुकान भूल गए थे हम तो उस शॉप पे जा रहे हैं और ये कुछ फ्रूट्स दिखे मुझे यहाँ पे नए नए अच्छा ये बेर है क्या ये जामुन ले गए जामुन नहीं ये जामुन नहीं है ये जामुन नहीं है जामुन ये बेर है इतने तो सही और ये कांटे वाले अरे अच्छा 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 अम्मा ये तो प्लास्टिक के दिख रहे मुझे का बीजी काकी काकी के पास छोटे छोटे संतरे है आप क्या खाना चाहते हैं जामुन खाएंगे जामुन पक्का पक्का बता पक्का पक्का ठीक है आई जी तो छः इंच तो अर्शी इंच बीस आर एम बी के आधा किलो गई वो इंच टेस्ट तो कर जल्दी कैसा अबे जामुन नहीं है फिर क्या है अंगूर है क्या पता पुया 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 था पूछी वन पे थे पुतिया कैसा है अच्छा है क्या लेना है ओके ओके खाई खाई गई जामुन नहीं मिलते यार कहाँ से जामुन मिलेगा यार ये मुझे भी नहीं पता ये क्या ठीक है शाम में छीमे खाम में देखो तो आधा किलो पुया संसद अर्षय अंधो वो यार अर्षद वो था एक रन चीज था तो नहीं था एक रन चीज था जमा चीज जमा दो कुछ भी अपने हिसाब से दे रही यार ले ली अंगूर तो फिर आप खाओ ना उसे लटका के घूम रहे हो पीछे पूछ की तरह खा ना भाई खा तो ले मुंडे धोके खाएंगे क्या धोके अंगूर ना की हाथ और रात में ऐसी दिखती पिंजांग स्ट्रीट रात ही बोला मैं लात नहीं बोला लात खाने के काम की बोलने के काम की नहीं अच्छा अपने कुछ साइड जाना है रिटर्न लस्सी की तलाश के अंदर वापस से जिस रूट से आए थे उसी रूट पर जाना है लस्सी फाइनली मिल गई इसको भी टेस्ट करें लस्सी कैसी है ओपन तो करो इसको ओपन तो करो भैया कहीं ताका है ताका है यार ओके ताका है तो तो दो यार ताका है टेस्ट करो कैसा लस्सी है वाह लस्सी हाँ का लस्सी है और ये फाइनल लस्सी की दुकान मिल गई 100% लस्सी तो नहीं है बट 30% एटलीस्ट तो है
चाइना में 30% लस्सी भी बहुत बड़ी बात है। एक नंबर है। अच्छा ये क्या है? ये भी बाउजर है। ठीक शमा यहाँ का। अच्छा है भैया? नहीं ला वापस दे देना, देखो दे ना। ये इनको बोलो यार रोड खाली करे, बैठ गए वहाँ पे तो पूरा अपना बोरिया बिस्तर लेके खाली का कैमरा गिर जाएगा अंदर तो मजा आएगा, समझेगा आने जाने दे। हाउ इज द स्ट्रीट? हाउ इज द स्ट्रीट? It is good? Yeah. You like that? Yeah. Okay. Where from? America. America. How long have you been in Suzhou? I just came today. You came just today to travel? Yes. Okay, okay. Yeah. I hope you enjoy. Yeah, thank you. Thank you. How about you? I'm from last 6 years. Huh? Last 6 years. 6 years? Yeah. Oh, wow. Wow. How have you enjoyed it? I'm doing my internship over here in Suzhou University. Wow. Oh, wow. Excellent. So I just came to just shoot some... of this tree. This tree is actually 100 to 150 years old. Wow, which one? This called the whole PINGJIANG STREET. So I hope you will enjoy and explore the city. Oh, I'm already enjoying. Okay. See you. Bye-bye. 不好意思, 谢谢. तो यहाँ पे काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं सिर्फ ट्रैवल करने के लिए। अभी जिस बंदे से मिला हूँ वो भी आज ही आया है, और देखिए मैंने बताया जैसे पास में वो फेमस होटल है तो यहाँ पे आए ही है वो घूमने के लिए जस्ट। तो मैं अभी मेरी लस्सी ख़त्म कर लूँ फिर मिलते हैं। क्या लेना है? ये लेना है, ठीक है। ये बहुत एक ही ईगा, यस। फिर मैंने बताया था जो कि थांग यानी स्वीट है, ये डेजर्ट एक टाइप का कोई फ्रूट है, और इसको चाशनी में डुबाया हुआ है, और ये रोस्टेड पोटैटो ईदियन ला ईदियन वो टेस्टी लगता है ना। तो ये आलू ले लिया है, और आलू गर्मा गर्म आलू टेस्ट करेंगे इतनी ठंडी ठंड में गर्म गर्म आलू। अरे गिर गया हो। वाह मज़ा आ गया। नहीं ये वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है, खाओ ना एक और, बहुत टेस्टी है। बॉइल्ड करा है, रोस्ट करा है उसको थोड़ा सा ऑयल में, और जलजीरा पाउडर। एक्चुअली में जलजीरा पाउडर तो नहीं मिलता है यहाँ पे, कुछ और ही पाउडर है और थोड़ी सी मिर्च। और अब मैं निकल आया हूँ बाहर, और अब जाऊँगा घर, तो घर पे मिलते हैं। सो अब घर पहुंच गया हूं मैं, और थोड़ा रेस्ट करूंगा, खाना खाऊंगा, डिनर लूंगा मेरा, और आज का ब्लॉग को यही ख़त्म करता हूं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। आज वीडियो में काफ़ी कुछ बोल नहीं पाया मैं, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं बोलने के लिए, आपको सिर्फ दिखाना था कि 150-200 साल पुरानी जो स्ट्रीट है कैसी दिखती है चाइना की, और अभी भी उसको कितना मेंटेन करके रखा है, और अभी भी ये जो लोग आते हैं फॉरेनर्स के लिए बहुत अट्रैक्शन बनी हुई है ये जगह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। देन सी यू देन, बाय बाय।